शिखा चौधरी, आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल सोल्जर्स वाइफ में स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मैं काफ़ी बिजी चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। पर फाइनली मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैं आपको एक ड्रेस डिज़ाइन करके बताऊँगी कि कैसे ये ड्रेस डिज़ाइन किया है मैंने। सारा डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगी। तो सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नीचे कॉर्नर पे बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, ये मैंने पॉली कॉटन कपड़ा लिया है जो मेरी सिस्टर ने मुझे अपना ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए दिया था। और ये कपड़ा लगभग 4.5 से 5 मीटर के बीच में है। ये देखिए, फ्लावर प्रिंट वाला ये कपड़ा, ये इसकी टोटल लेंथ है, देख सकते हैं आप। अब इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है डबल फोल्ड करके। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और देखिए अंदर की तरफ जो है ये मैंने इसका सीधा रखा है, इसको फ्रंट साइड है अंदर की तरफ। देखिए कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा देंगे। अब मैं बताऊंगी किस तरह से कली कट करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से कली कट करेंगे, 1 2 3। अब फीते की मदद से मैं आपको बता देती हूँ ये कौन कली कैसे कटेगी। ये लोअर पार्ट आएगा कली का और ये कली का अपर पार्ट आएगा। अपर पार्ट की चौड़ाई थोड़ा कम होगी, इस तरह से कम चौड़ाई आएगी और ये लोअर ज़्यादा चौड़ाई आएगी यहाँ पर नीचे से। और जो हमारी कली कट होगी वो कुछ इस तरह से कट होगी यहाँ पर इस डिज़ाइन में। नेक्स्ट जस्ट बिल्कुल बगल में दूसरी कली कट हो जाएगी, तो हमारी कली ऐसे कटेगी। सॉरी, 1, ये कली सेकेंड इसके बगल में जस्ट कट जाएगी। ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड किया है, ये देखिए ये अंदर से हमने सीधा रखा है इसको। इस तरह से हमारी कलियाँ कट होंगी। तो ये जो टोटल कपड़े की लेंथ है 90 इंच है और चौड़ाई इसकी 38 इंच है। और जो हम नाप ले रहे हैं 36 चेस्ट के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। टोटल कली हमारी 20 बनेंगी, 10 आगे की 10 पीछे की। और फर्स्ट कली की जो ऊपर की जो चौड़ाई आएगी वो 3 इंच आएगी और लोअर जो आएगी चौड़ाई वो है 13 इंच आएगी। और ये जो साइज़ है आपका लंबाई में, ये आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आपको लंबा पहनना है छोटा पहनना है। और ये डिज़ाइन आपका कली का इस तरह से आएगा। अब ये मैं नाप लगा रही हूँ, नीचे अभी 13 इंच बोला था हमने, तो इसका सेंटर पार्ट सेलेक्ट करेंगे और 7.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। और ठीक ऊपर हम ऐसे ही 7.5 निशान लगाएंगे और 1.5 इंच उसमें हम लेफ्ट ले लेंगे और 1.5 इंच राइट में, जो कि टोटल ऊपर 3 इंच हो जाएगा। उससे हमारी कली सीधी कटेगी। तो ये हमने 7.5 पे निशान लगाया, 1.5 इंच लेफ्ट और 1.5 इंच राइट में, टोटल 3 इंच हम ऊपर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब ये जो राइट 3 इंच के ऊपर जो राइट साइड में लिया है उसको हम नीचे राइट कॉर्नर से इस तरह से मिला देंगे निशान लगा के। अब हम नीचे जो कली का लोअर पार्ट है 13 इंच, उसको भी हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब ये राइट साइड को हम राइट साइड से मिलाएंगे इधर नीचे, और इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। अब हम इसको कट करेंगे कली को। ये देखिए, ये मैंने राइट साइड से इसको कट कर लिया है। आपकी जो भी साइड हो, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट साइड से मैंने इसको कट कर लिया है। देखिए, और ये जो बचा हुआ पीस है इसका मैं अभी आपको बताऊंगी क्या यूज़ करना है, इसको हम साइड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये कली कट कर तैयार हो गई है। ये देखिए सेम डिज़ाइन कटा है इस तरह से। तो ये डबल फोल्ड था इसलिए इसमें 2 कलियाँ कट हुई हैं इस तरह से। ये देखिए, अब हम एक कली निकाल लेंगे इससे और इसी के हम अकॉर्डिंग सारी कलियाँ कट करेंगे। ध्यान रखिए, ये हमने नीचे से जो लोअर कट करी थी, अभी लोअर पार्ट इधर की तरफ था कली का, अब ये जो अपर पार्ट है कली का वो अब लोअर साइड आएगा। मीन्स कि अब अपोजिट डायरेक्शन में हम कली काटेंगे ऐसे इस तरह से। फर्स्ट कली कट करने में टाइम लगता है, पर अब ये जो कली हमने काटी थी उसी के नाप के हम सारी कलियाँ इसके ऊपर रख के एक एक करके सारी कलियाँ कट कर लेंगे।
ये देखिए एक और कली कट चुकी है, एक और मीन्स दो कलियां एक साथ कट चुकी हैं, और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये भी हमने साइड कर दी। अब लाइन से हम सारी कलियों को कट करेंगे। ये देखिए मैंने फिर से अपोजिट साइड में रख दिया इसको, अपर साइड अब ऊपर की तरफ आ गई है इस तरह से। देखिए अब फिर से मैंने कली कट कर ली है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से हम 20 कलियां एक साथ काटेंगे लाइन से। और ये अब मेरी लास्ट कली कटने जा रही है, ये देखिए मीन्स कि मैं 18 कली कट कर चुकी हूँ, ये 19 और 20 का लास्ट बचा हुआ है। ये देखिए ये मेरी सारी कलियाँ तैयार हो चुकी हैं, ये 20 कलियाँ मेरी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको मैं साइड में रख दूँगी। ये अभी तक लोअर पार्ट कट हुआ था और ये मेरे पास एक बचा हुआ पीस है, ये क्या हो गया, और ये स्टार्टिंग में जो था बचा हुआ ये अलग है। देखिए अब ये जो अपर पार्ट है सूट का, मैं इसी सूट के नाप का एक बना रही हूँ अपर पार्ट है, वैसे मैं फ्री साइज़ बना रही हूँ। ये जो अपर पार्ट बचा हुआ है यही मैं कट करूँगी अभी इस बचे हुए पार्ट कपड़े से, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ कलियाँ कट की हैं नीचे से, मैं चोली वाला नहीं बना रही हूँ, तने कट करूँगी अलग से। ये देखिए यहाँ तक केवल, और ये जो गला है ये वी शेप का आएगा लगभग, एकदम मैं चौड़ा नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बनाऊँगी, ये मैं ऐसे वी शेप का बनाऊँगी हल्का सा। उससे क्या होगा, गला ज़्यादा चौड़ाई नहीं आएगी, मेरी सिस्टर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा गला नहीं पहनती है, तो ये ऊपर से थोड़ा ज़्यादा पतला आएगा और नीचे की तरफ चौड़ा आएगा इस वजह से। अब ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया, एक और इस पर कट लगाएंगे, और इस तरह से हमारे पास शोल्डर का एक तना तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। अब इसी की नाप का मैं एक और तना दूसरा कट करूँगी, ये देखिए इस तरह से कट आएगी पूरा पीस। इसको मैंने फिर से फोल्ड कर लिया। अब सेम टू सेम प्रोसेस का मैं दूसरे बचे हुए पीस से इसके ऊपर नाप रख के इसको कटिंग करूँगी, देख सकते हैं आप। इसको भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मैंने इस पीस को रख लिया है सेम नाप का, नापने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने कट लगा दिया इसमें इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमारे जो कटिंग वाले जो आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें हमें। आप देखिए ये मेरे पास एक जो एक्स्ट्रा पीस बचा हुआ था, इसका मैं कमर में तना बनाऊँगी इस तरह से, कमर में लगता है। आप चाहें तो सीधा भी कट कर सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही कट करूँगी। ये मैंने नाप लगा ली है, आप कितना भी अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं इसको, जितना आपको सूटेबल हो। अभी मैंने कट कर लिया है तना इस तरह से, और बीच में से मैं इसके दो पीसेस लंबाई में कट करूँगी इस तरह से, देखिए। ये लंबाई में मैंने कट इसलिए किया है ताकि मुझे दो तने लेफ्ट और राइट मिल जाएं एक साथ। देखिए आप चाहे तो सीधा सीधा कट कर सकते हैं, पर मैंने ऊपर से थोड़ा चौड़ा नीचे से पतला किया है। ये सीधी साइड है, ये इसकी अपोजिट उल्टी साइड है, ये इसकी अपर साइड है और ये इसकी लोअर साइड है, तो ये देख सकते हैं आप। ये मैं इसको इसका ऐसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाऊंगी सीधी दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सिलाई लगाऊंगी, पर अभी नहीं, वो बाद में पलट के लगाऊंगी। अभी मैं सिर्फ सिंगल सिलाई लगाऊंगी साइड से इस साइड, इस तरह से। और इसी तरह से हम दोनों तने तैयार कर लेंगे सिलाई लगा के। और ये जो मैंने शोल्डर का जो पार्ट काटा था ये वाला, ये देखिए अब मैं इसको सिलाई कैसे करूँगी, ये किनारे से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, और इस तरह से दोनों साइड से लेफ्ट और राइट हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। एक मैं ऑलरेडी सिल चुकी हूँ, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ सिल के। ये देखिए मैंने ये लेफ्ट साइड से सिलाई लगा दी इसमें, और अभी मैं इसमें फिर ये राइट साइड से सिलाई फोल्ड कर रही हूँ इसको। देखिए मैं राइट साइड से इसमें सिलाई लगा दी है, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये मेरे दोनों तने तैयार हो चुके हैं शोल्डर के। और ये जो मैंने तना सिला था कमर में लगाने वाला, इसको पेचकस की हेल्प से मैं इसको उल्टा पलट रही हूँ,
मीन्स कि मैं इसको सीधा कर रही हूँ ऐसे, आप किसी भी तरह से सीधा कर सकते हैं इसको। आप देखिए ये जो किनारे से मैंने सिलाई लगाई थी, यहाँ पर मैं बाहर से एक सिलाई लगाऊंगी, लेफ्ट इधर से और राइट साइड से भी, दोनों साइड से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी, किनारे किनारे, बिल्कुल किनारे, बीच में नहीं, किनारे किनारे, बिल्कुल जितना किनारे साफ सफाई से आप सिलाई लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और बिना सिलाई के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें सिलाई क्यों लगाती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है एक लेफ्ट साइड से, और इसी को अब मैं राइट साइड से भी किनारे, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैं सीधे तने पे सिलाई लगा रही हूँ। देखिए अब देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, ये देखिए कितनी क्लियर फिनिशिंग आ रही है, बिल्कुल तना जैसा लुक आ रहा है इसमें। और ये देखिए इसमें थोड़ा रफली वो फुला फुला सब, ये देखिए कितना क्लीन है इस तरह से। अब ये हम कलियां तैयार करेंगे। ये जो कली का नीचे वाला पार्ट है ये देखिए चौड़ी साइड, पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे सिलना, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये ऊपर की साइड है, हम यहाँ से सिलाई नहीं लगाएंगे, हम नीचे से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा लंबा या छोटा हो गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से हो सकता है लंबा छोटा अगर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, तो हम इसको नीचे से सिलाई लगाएंगे। नीचे से सिलाई लगाने पे अगर ये ऊपर से ऐसे छोटा बड़ा हो जाता है तो हम कट कर लेंगे, हमारा ये हमें और चौड़ा मिल जाएगा ऊपर से पार्ट। अगर नीचे से होगा तो फिर हमें फ्लेयर जो है थोड़ा कम हो जाएगी, कट करनी पड़ेगी। ये देखिए ये अपोजिट साइड मैंने सीधी साइड अंदर की है, ये बाहर से उल्टी साइड है, हमेशा उल्टी साइड से आप सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए अभी मैं फर्स्ट कली सिल रही हूँ दो दो करके, आप ऐसे करके सारी दो दो कलियाँ इकट्ठे करके सिल लेंगे, नीचे से सिलाई लगाएंगे लोअर साइड से। देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी सिलाई कर रही हूँ, देखिए ये देखिए इसी तरह से मैंने कई कलियाँ, सारी कलियाँ ज्वाइंट कर ली हैं, और इन कलियों को भी मैं ज्वाइंट करने वाली हूँ। टू टू करके मैंने सारी सिलाई लगा ली थी सब में, अब इन टू टू को भी मैं साथ में कर रही हूँ। पर ध्यान रहे 10 आगे की ज्वाइंट करनी है आपको और 10 पीछे की, तो एक सिंगल मेरे पास बची है अलग से, वो मैं भी टू पर टू करके अभी करूँगी इन्हें कंप्लीट। ये देखिए मैंने फिर से सिलाई लगा ली है इसमें इस तरह से, सारी कलियाँ हम ज्वाइंट करेंगे 10 आगे की और 10 पीछे की अलग अलग। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली पूरी, और ये देखिए हमने 10 आगे की कलियाँ और 10 पीछे की कलियाँ तैयार करनी है इस तरह से। देखिए मैं सारी कलियाँ सिल चुकी हूँ, देखिए ये देखिए मैंने 10 कलियाँ आगे की सिली हैं ये, और ये मेरी 10 कलियाँ बैक साइड की हैं, और इसकी सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ कर रखी है। देखिए ये अपर पार्ट है इसका जो हमने 3 इंच लिया था, ये सीधी साइड अंदर करी है मैंने, देखिए। और ये जो अपर पार्ट है ये देखिए, इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से नकल करके, और इसको मैं अब नफल फोल्ड करके नीचे की बिछा दूंगी, रख दूंगी नीचे, क्योंकि मुझे इसकी कमर की कटिंग करनी है अभी, कमर की साइड में कटिंग करनी है। और ये मैंने एक नया सूट लिया है फिटिंग का, वैसे मैं इस फ्रॉक सूट को फिटिंग का नहीं बना रही हूँ, इसी वजह से मैंने इसमें तने डाले हैं। इस सूट को मैंने फोल्ड कर लिया है, लगभग इसी नाप का मैं बनाऊँगी, मतलब इस नाप का भी, तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए इसमें कटिंग दे रही हूँ सिर्फ। और ये मैंने साइड से यहाँ पर निशान लगाना है, ये नीचे कमर का हिस्सा है ये पूरा हमारा, ये देखिए बाकी नीचे पूरा फ्लेयर आएगा, ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसको हम कट करेंगे, देखिए मैंने इस तरह से इस पर कट लगा लिया है, देख सकते हैं मैंने कमर का हिस्सा कट कर लिया है, बाकी नीचे फ्लेयर छूट चुका है इस तरह से, ये देखिए कट हुआ है, ये बाकी सिलाई आएगी इसमें पूरी।
अब ये जो किनारे से अभी हमने कट किया था, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है अपर साइड, ये इस पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये लॉक हो जाए। इसको लॉक करने के लिए हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे हम, ये देखिए मैंने सिलाई लगाना शुरू कर दिया इसमें। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है ये ऊपर की साइड से, ऐसे ही हम दोनों सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से, आगे और पीछे के पल्ले में ऊपर की तरफ से। ये सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसका मिडिल पार्ट सिलेक्ट करने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करके मिडिल पार्ट सिलेक्ट किया है मैंने यहाँ पर, और इसको मैंने पिनअप कर लिया है, ठीक है पिनअप कर लिया है मैंने इसको इस तरह से। इससे क्या होगा खिसकेगा नहीं, अब आपको मिडिल पार्ट मिलेगा। अब ये सूट का जो गले का मिडिल पार्ट है इसको हम पिनअप वाले एरिया में टच करके देखेंगे कि हमारे शोल्डर कहाँ पर आ रहे हैं, और वहीं पर हम तने फिक्स करके पिनअप कर लेंगे इस तरह से दोनों तने। देखिए मैंने फिक्स कर लिया है, अब मैं यहाँ पर पिनअप कर दूंगी तनों को ताकि ये खिसके ना और मुझे सिलाई लगाने में आसानी रहे। अभी फिक्स हो चुके हैं, अब मैं इन पर सिलाई लगा लूँगी फटाफट से, मैं तने इसमें अटैच करके सिलाई लगाने वाली हूँ ताकि ये निकले ना। ये देखिए मैंने तने जो शोल्डर वाले तने सिले थे वो मैंने इसमें अटैच करके सिलाई लगा दी है इसमें। अभी मैं ये फ्रंट साइड से सिल रही हूँ, अभी इसको बैक साइड से भी लगाना है अभी पीछे वाले पल्ले में। ये देखिए ये मैंने सिल लिया इस तरह से, देखिए अब ये मैंने पीछे का पल्ला निकाल रही हूँ उसका मैं। ये देखिए मैंने दूसरा पल्ला रख लिया है ऊपर से, और ये जो मैंने पीछे से भी सिलाई लगाई थी तने में, सेम टू सेम प्रोसेस से मैं आगे पिनअप करके इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए बराबर रख के ऊपर से उसमें मैंने पिनअप कर दिया इसको इस तरह से। अब इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों तने अच्छे से अटैच हो जाएं आगे और पीछे दोनों साइड से। ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है इससे और सिलाई लगा दी, और ये अच्छे से मैं डबल सिलाई यूज़ करती हूँ, आप सिंगल भी कर सकते हैं, मैं डबल सिलाई मोस्टली यूज़ करती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये शोल्डर का जो मैंने तने लगाए इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब ये जो साइड वाला पार्ट है इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ये जो कमर का हिस्सा है हम 7 इंच नीचे लेंगे, क्योंकि अभी हमें तना भी इसमें अटैच करना है, तो 7 इंच लगभग नीचे लेके मैंने इसमें तना फिक्स करूँगी, वो भी अंदर की तरफ से। देखिए इस तरह से अंदर से लगाऊंगी, आप इसको पिनअप करके लगाइएगा नहीं तो खिसक के गिर जाएगा, मुझे आदत है इसलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट लगा रही हूँ। आप 7 इंच या थोड़ा ऊपर नीचे जैसे भी आपका एडजस्टमेंट हो आप लगा सकते हैं तने को ऐसे, और अब मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी तने के साथ इस तरह से। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है ये पूरे नीचे तक, साइड से पूरी कमर से लेके नीचे घेर तक पूरी सिलाई आ चुकी है मेरी। ये देखिए बहुत जल्दी से सिलाई कर रही हूँ मैं। ये मेरा तना फिक्स हो चुका है इसमें, देखिए अब मैं दूसरी साइड से भी तना नापने के लिए जो पहला लगाया था उस पर ही निशान फिक्स करके देख रही हूँ कि कहाँ पर तना लगा था, उसी के हिसाब से मैं बिल्कुल बराबर में तना लगाऊंगी। और ये दूसरी साइड से भी मैंने तना फिक्स कर लिया है, और अब इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे, और बड़े जल्दी फटाफट से मैंने सिलाई लगा दी है इसमें। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है पूरे दोनों साइड से लेफ्ट और राइट में, तना भी फिक्स हो गया। अब ये फ्लेयर के नीचे सबसे नीचे का हिस्सा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसमें भी एक सिंगल पूरी सिलाई लगा लेंगे सिंगल, इसमें डबल मत लगाइएगा सिंगल ही लगाइएगा, थोड़ा लुक अच्छा नहीं आता है। और इस तरह से मैंने पूरे फ्लेयर में नीचे से एक सिंगल सिलाई लगा ली है, और जो हमारा ड्रेस बनके तैयार हुआ है वो ये देखिए,